हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कुकला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा। एक कटोरी मैंने सिंघाड़ा का आटा ले लिया है। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। सिंघाड़े के आटे में कम घी में ही हलवा बन जाता है, इसमें अधिक घी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आटा भून गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। जितना आटा था उतना ही चीनी डालेंगे। इसी कटोरी से 3 कटोरी पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस जला लेंगे, मीडियम आंच पर इसे चलाते रहेंगे बराबर। हलवा बनकर तैयार है। इसे थाली में निकाल कर ठंडा करेंगे। थाली ले लिया है मैंने, इसमें घी लगा लिया है। इस तरह से थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे। देखिए, मैंने हलवा को थाली में निकाल दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाएगा तब इसे काटेंगे। देखिए, हमारा हलवा ठंडा हो गया है, काट लेते हैं। देखिए, हमारा सिंघाड़े के आटे का हलवा बनकर तैयार है। मैंने इसमें इलायची नहीं डाला है। सिंघाड़े के आटे का खुद का अपना टेस्ट होता है, आप चाहें तो इलायची डाल सकती हैं। ये हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे व्रत में भी खा सकती हैं, ऐसे भी बना के खा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको सिंघाड़े के आटे का हलवा कैसा लगा। थैंक यू।